नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, कहते हैं ईच डे इज अ गिफ्ट, ओपन इट, सेलिब्रेट इट एंड एंजॉय इट। सचमुच ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अनमोल उपहार है प्रतिदिन, प्रतिपल, क्योंकि एक एक पल बहुत बहुत मूल्यवान है, एक एक दिन बहुत बहुत मूल्यवान है। और हम सभी दूसरों को एग्जाम्पल भी देते रहते हैं कि वक्त को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। जीवन की तमाम दौलत दे कर के भी बीते हुए पल को वापस नहीं लाया जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। जब इस बात से हम सभी भीग गए हैं तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए, इसके हर पल का आनंद लिया जाए और वो किया जाए जो हम करना चाहते हैं और जो हमें करना चाहिए, इसे जाया ना करें मित्रों। क्योंकि यदि जीवन के पलों को हम सफल करते हैं तो सचमुच जीवन आनंद से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है और आत्मसंतोष हमें प्राप्त होता है और जीवन में हम वो अचीव भी कर पाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो जो हमारे जीवन का ध्येय है, आनंद पूर्वक खुशी से हम अपने पूरे वक्त को उसके प्रति समर्पित कर दें, तनाव ना लें। क्योंकि कहते हैं ना कि लक्ष्य अर्जित करने के बाद खुश नहीं होना है, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस यात्रा का आनंद लेना है। तो इस कला को सीखते हुए हम जीवन पथ पर अग्रसर होते चलें, यही जीवन का मूल मंत्र है। इसी मंत्र के साथ, इसी आनंद के साथ, उत्सव के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। इस दुनिया में हर इंसान का जीवन परीक्षाओं से भरा हुआ है और अपने जीवन की इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए एक मनुष्य क्या नहीं करता, वो भाग दौड़ करता है, कड़ी मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं का दमन भी करता है और जब किसी और चीज़ से बात नहीं बनती तो वो नकल करता है। यदि अपने जीवन में हम थोड़ा सा पीछे जाएं, स्मृतियों को यदि दौड़ाएं, तो याद आता है कि विद्यार्थी काल में हमारे स्कूल में हमने ना सही परंतु किसी न किसी ने परीक्षा में सफल होने के लिए नकल ज़रूर की होगी और वो परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गया होगा। परंतु जीवन की परीक्षाएं ऐसी नहीं होती, यहाँ नकल करने वाला कभी सफल नहीं होता। कारण, क्योंकि स्कूल में हर एक का प्रश्न पत्र एक जैसा होता था, परंतु जीवन की इस परीक्षा में प्रत्येक मनुष्य का प्रश्न पत्र और उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ सबके लिए अलग अलग हैं। और निश्चित तौर पर जब प्रश्न अलग हैं तो उनके उत्तर भी तो अलग अलग ही होंगे ना। तो जीवन में सफलता पाने के लिए कभी भी दूसरों की नकल ना करिए, अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढिए, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम शांति। लोगों की अच्छाइयों से सीखना, उन्हें अपने जीवन में लाना, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से उनको कॉपी करना, ये अपने मूल अस्तित्व को, अपनी विशेषताओं को दबाने या खोने वाली बात हो जाती है। एक बार एक गायक किसी बहुत ही प्रसिद्ध गायक की नकल कर रहे थे, उन्हीं की आवाज़ में गाने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि यदि आप उनकी आवाज़ में गाएंगे तो हम आपको क्यों सुनेंगे, हम उन्हें ही क्यों ना सुन लें, राइट? यदि आप किशोर दा की कॉपी कर रहे हैं तो हम किशोर दा को ही सुन लेंगे, आपको क्यों सुनेंगे। आप जो हैं आप वो कीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, इसीलिए अपनी विशेषताओं को पहचानते हुए हम उन्हें आगे से आगे बढ़ाएं, ना कि नकल करें। ऐसी सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के स्वास्थ्य की ओर। देखते हैं कि स्वास्थ्य के पिटारे में आपके लिए आज क्या खास है। ओम शांति। आज हम देखेंगे कि हमारा बैक पीठ पर कौन से इमोशन काम करते हैं और कैसे हम बीमार भी होते हैं।
बीमारी के कारण कई होते हैं, पर हमारे इमोशन उस पर्टिकुलर सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें बैक 33 वर्टिब्रास के अंदर स्पाइनल कॉलम बना हुआ है। इसमें लोअर बैक है, मिडिल बैक है और अपर बैक है। तीन तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। लोअर बैक जो है हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर पैसे की कमी है, कन्फ्लिक्ट है, तो वो लोअर बैक को ज़्यादा असर करती है। मिडिल बैक है बीच वाला, उसमें गिल्ट, पुरानी चीज़ें पास्ट की, वो हमारे को बीमारी जल्दी लाती है। और अपर बैक जो है उसमें रहता है हमारे इमोशनल सपोर्ट, कोई हमें केयर नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं अपने को प्यार नहीं कर रहा हूँ, मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है, तो अपर उससे अफेक्ट होता है। तो तीनों को देखें तो तीनों में एक फाइनेंशियल आ गया, एक गिल्ट आ गया और तीसरा इमोशनल सपोर्ट आ गया। अब हमें अपने को ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह तो लेते ही हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, पर साथ ही साथ हमें अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्टिवेट करना है। लोअर में जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, उसमें हम अपने को कहें कि मैं इस समय ठीक हूँ, आई एम वेल्दी, पैसा इस समय ठीक से आ रहा है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। मिडिल का जो है गिल्ट को पास की जो भी पुरानी बातें हैं, उस गिल्ट को हमें रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। और अपर इमोशनल सपोर्ट, हमें खुद को ही सपोर्ट करना है, परमात्मा से सपोर्ट लेना है और अपने को बार बार रिपीट करना है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी और मैं अपने को प्यार करता हूँ और परमात्मा मेरे को सर्वशक्तिवान, मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। जो खुद को पहचानते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, सत्य की ओर चलना शुरू कर देते हैं, मानवता के कल्याण अर्थ अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, ऐसे ही लोग सचमुच लाखों के बीच में अपनी पहचान बना पाते हैं। औरों के लिए जीना, औरों का कल्याण करना, अपने जीवन को आदर्श बना लेना, ऐसी ही एक महान विभूति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक दादी आत्ममोहिनी जी भी थीं, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर अर्थ अर्पित किया और मानवता के कल्याण अर्थ अपने समूचे जीवन को अर्पित कर दिया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक ऐसा मिसाल बना लिया जो आज भी लोगों के हृदय में जीवित हैं। ओम शांति। दादी आत्ममोहिनी जी, जो दादी पुष्प शांता की लौकिक में छोटी बहन थी, भारत के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं करने के पश्चात कुछ समय कानपुर में रही। जब दादी पुष्प शांता को उनके लौकिक रिश्तेदारों द्वारा कोलाबा का सेवा केंद्र दिया गया, तब ब्रह्मा बाबा की श्रीमत अनुसार दादी आत्ममोहिनी ने दादी पुष्प शांता के साथ कोलाबा सेवा केंद्र की सेवा में बहुत सहयोग दिया और उनके जाने के बाद कोलाबा सेवा केंद्र का कार्यभार संभाला। आप बहुत ही निर्माणचित और शांत स्वभाव की थी, बड़ी बात को छोटा करने में सदा ही नंबर आगे लिया, अपने नियम की पक्की और व्यवहार कुशल भी थी। आप 17 फरवरी 1996 को पुराना शरीर छोड़कर अव्यक्त वतनवासी बन गई। प्रेरणा मिलती है जब ऐसी महान आत्माओं के जीवन को देखते हैं तो, कि जब इन्होंने
ईश्वर की याद में, ईश्वर के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाया तो क्या हम नहीं बना सकते? अपनी संपूर्ण कोशिश तो हम ज़रूर करें, क्योंकि व्यक्ति की अपनी आदतें, अपने संस्कार, अपनी इच्छाएं और दुनियादारी उन्हें रोक देती हैं। लेकिन यदि हम कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक कदम आगे बढ़ पाते हैं, और जो सुंदर अनुभूति हमें होती है आत्मसंतोष की, आत्मकल्याण की, औरों की दुआएं प्राप्त करने की, वो हमें और भी आगे इस पथ पर अग्रसर करती चली जाती है। और यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें भी कर रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में, न केवल देश में लेकिन विदेशों में भी अलग अलग वर्ग के लोगों की, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, सब तक जाकर आत्मकल्याण का सुंदर मार्ग दिखा रही हैं, अध्यात्म का सुंदर संदेश दे रही हैं। और उनके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। शिवरात्रि पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी शिवरात्रि को बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ परमात्मा शिव के अवतरण दिवस के रूप में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मनाते हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यूपी के कासगंज में आयोजित माघ मेला में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी में शिव परमात्मा के 12 ज्योतिर्लिंगम का एक साथ दर्शन कराया गया। 40 फीट का ऊंचा शिवलिंग इस भव्य प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रहा। प्रदर्शनी को दूर दूर से आए अनेक नागरिकों और गणमान्य अतिथियों ने अवलोकन किया, जिसमें सभी ने परमात्मा शिव के आध्यात्मिक ज्ञान को समझा और अपने अनुभव भी साझा किए। बहुत अच्छा लगा आपका यह कार्यक्रम, हमने देखा बहुत अच्छा लगा, और सोचते हैं कि ऐसी अगर कोई संस्था अगर हमारे यहाँ खुल जाती तो अच्छा है। इसको धन्यवाद आपसे करने सर। ये तो विश्व परिवर्तन का कार्य हो रहा है और हर व्यक्ति लगा हुआ है, कोई भजन के माध्यम से कर रहा है, कोई गीता के माध्यम से कर रहा है, कोई सत्संग के माध्यम से कर रहा है, कोई अपना कुछ योग साधनाओं से करा रहा है। कासगंज ब्रह्मा कुमारी सब जोन प्रभारी बी के सरोज दीदी ने कहा कि लोगों को यहां से आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जो उनके जीवन को सही दिशा देगा। ग्रामीण लोगों को दर्शनान हेतु, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए जगह जगह नहीं जा सकते, तो वो यहां आएंगे, दर्शन भी करेंगे और साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनेंगे। वही बी के राखी ने कहा कि अध्यात्म का अर्थ ही है स्वयं का अध्ययन करना। गंगा परमात्मा ने जो हमें सिखाया, ये गंगा जिसमें हम स्नान करते हैं शारीरिक बीमारियों को दूर करती है, और मूल रूप से भगवान उवाच जो परमात्मा ने हमको सिखाया ज्ञान गंगा, तो यहाँ दोनों का मिलन है। सरोज दीदी ने सभी विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं किया जा सकता, जो अप्राप्त है, जो अभी असंभव सा लग रहा है, कठिन सा लग रहा है, हम उसके बारे में सोचते हैं और वर्तमान में भी निराश होकर बैठ जाते हैं। जो किया जा सकता है, छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाएं और उसके पश्चात हम देखेंगे कि कैसे बड़े कार्य भी सहजता से सफल होते हुए हमें महसूस होंगे। इसीलिए मित्रों, आज को, वर्तमान को पूरी तरह से सफल करते हुए हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ें। यही वास्तव में जीवन का सुंदर मंत्र है और यही सफलता का सूत्र भी है। हम इसे अवश्य अमल में लाएं और गहराई से इस पर विचार भी ज़रूर करें। यही आज के चिंतन का बिंदु है जिस पर हम अब सारे दिन विचार करेंगे और अपने जीवन में अपनाते हुए आगे से आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।